ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार द्वादशी तिथि शाम 7 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मूल नक्षत्र में रात्रि 9:07 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मूल नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर चंचल प्रवृत्ति वाले बुद्धिमान धैर्यवान उत्साही धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक तीव्र स्मरण शक्ति वाले हर कार्य करने में निपुण दूसरे की बात समझने में कुशल तर्क शक्ति की प्रवृत्ति वाले नेतृत्व करने में विशेष रुचि रखने वाले उन्नतिगामी और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा दशा ठीक रही बृहस्पति और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा धनु राशि में ही चलते रहेंगे जिसके राज स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज चंद्रमा की युति शनि और शुक्र के साथ बनी रहेगी मगर नक्षत्र केतु का होगा जिससे मानसिक अस्थिरता विचारों में बार बार परिवर्तन का होना अड़ियल प्रवृत्ति और भ्रमणशील विचारधारा कायम रहेगी। समय समय पर हतोत्साहित होने की भावना और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभव है। हालांकि धन और आय संबंधी मामले प्रभावित नहीं होंगे, अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और क्रियाशीलता बनी रहेगी मगर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भावावेश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं होगा। साथ ही मौसम संबंधी संक्रमण होने का खतरा बनता है, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। आज किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए अन्यथा धन वापसी में तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आज का राहु काल प्रातः 10:30 से 12 तक बना रहेगा, इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है। कुछ कामों में देरी मगर व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और उससे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में भी लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी मगर मानसिक दबाव माता के स्वास्थ्य की चिंता मधुर संबंधों में कमी जोड़ों में तकलीफ संभावित है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा के 8वें घर में होने से धैर्य संयम और स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का संकेत मिलता है। दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा मानसिक स्तर पर प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाही यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी मगर साझेदारी के कामों में सहयोग और आर्थिक लाभ संभव है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। उत्साह और सकारात्मक कार्य ऊर्जा साझेदारी के कामों में लाभ दिलाएंगे मगर कुछ काम संपन्न होने में देरी हो सकती है। मानसिक दबाव और उत्साहहीनता संभावित है, फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा मगर आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी। उत्साह और कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। हालांकि नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित हैं। चंद्रमा और शनि की युति 6वें भाव में बनी हुई है। साझेदारी के कामों में लाभ होगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचारधारा उत्साह की कमी और विषाद की स्थिति भी संभावित है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी और निरंतरता बनाए रखने में सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। काम करने के प्रति दृढ़ विश्वास और क्रियाशीलता लाभ दिलाने वाली होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। निजी निवेश की योजनाएं लाभदायक रहेंगी मगर पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास अनुकूल होंगे।
कन्या राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में तनाव, माँ के स्वास्थ्य की चिंता, मानसिक भ्रम व निर्णय लेने में असंतुष्टि का संकेत भी मिलता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रयासों का दौर जारी रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेरणा से लाभ संभव है। नई कार्य योजनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे, मगर कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति और मानसिक चिंता संभावित है और कुछ कामों में व्यावसायिक विवाद और धन हानि का संकेत मिलता है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। विचारों में अस्थिरता रहेगी, परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में खर्च हो सकता है, मगर मौसम संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता और कुछ कामों में अचानक बाधा भी संभावित है। धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र से संबंधित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता भी संभावित है। वाणी की मृदुलता के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नवीन कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। यात्रा संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी के साथ साथ वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य संबंधी भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्च से संबंधित मामले संभावित हैं। चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कमी, मानसिक दबाव और नेतृत्व करने की क्षमता प्रभावित होगी। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। विभागीय कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करते रहें। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए रुके हुए कामों में गति आएगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। आपके प्रयास करने की क्षमता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नए प्रस्ताव के लिए संबंधित अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर अनावश्यक विवाद भी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूती और रुके हुए काम के संपन्न कराने का संकेत मिलता है, मगर कुछ कामों में अवरोध और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है। फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। मन में नकारात्मक भाव न आने दें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।